यार आज जो है दिल्ली में सुबह से आ रहे है बारिश, तो इस वजह से हमें अपने बकरी और उसके बच्चे को लाना पड़ेगा नीचे घर में। अब ये देखो घर में इधर से उधर घूम रहे हैं और वो खा भी रहा है इधर, और ये भी सही है आज बिल्कुल इसकी सेहत जो है थोड़ी ठीक हो गई है, तो ये खाने भी लग गई, तो इसको थोड़ा खिलाता भी हूँ पत्ते, और वही पत्ते खा रही है, उसका बच्चा भी पत्ते खा रहा है, और इधर मेरी खड़ी हुई है 20 साल बने धरनो। हाँ खा जल्दी जल्दी खा बकरी। और रुक जा छोटू, तेरा पान मैंने बना रखा है, रुक जा छोटू। ये भी आ गया, ले पकड़ पत्ते, पकड़ पत्ते, पकड़। और ये दोनों भी लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या चबा रहे हैं, चबाया जा नहीं रहा पर फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं दोनों, हो सकता है एक आध दिन में खाना सीख जाए। अभी इससे जो है बड़े बड़े पत्ते खाए नहीं आते, तो इसलिए मैंने इनके लिए ये छोटे छोटे पान बना रखे हैं, तो ये खाते हैं ये दोनों। ले छोटू पान खा, ले बाहर ना निकल, बाहर फेंक दिया हूँ, ले ये खा पान, पान खा 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 खा, खा ले खा ले खा ले। देखो ऐसे छोटे छोटे जो पत्ते तोड़ के देने पड़ रहे हैं इसे, अभी ने खाने की कोशिश करी, इसकी बहन भी ऐसी खाती है। ले इधर ले छोटू, ले इधर ले, भाग गई, ले तू ही खा ले, तू ही खा ले भाई, तू ही खा ले, ले 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 ले, चबा चबा चबा, पकड़ ले, एक पत्ती ले गई, बाकी फेंक दी उनने। सो यो व्हाट्स अप गाइस। तो आज यार देख सकते हो दिल्ली में कुछ ज्यादा ही तेज बारिश आ रही है, और अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन कर रखा है इसका, ताकि देख सकते हो भाई कितना ज्यादा पानी आ रहा है। और ये हमारा मामू ऊपर ही है, बाकी बकरी और उसके बच्चे गए नीचे घर में, वो गए नीचे और इसको हमने ऊपर ही छोड़ दिया बारिश में भीगने के लिए, ताकि ये थोड़ा गोरा और हो जाए, इसके मैल उतर जाए चिपकी हुई। तो बारिश देखो कुछ ज्यादा ही तेज आ रही है, अभी आपको ऊपर भी चल के व्यू दिखाता हूँ भाई, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, कम से कम 5 से 6 घंटे होगा बारिश लगातार आते हुए, वो जो है पूरी छत साफ सुथरी हो गई, और हमने कुर्सियां भी धो दी यहाँ पे, ताकि बारिश आ रही थी तो इसी वक्त कुर्सियां भी धो के सुखाने रख दिए, और तिरपाल भी भाई पूरी भरी पड़ी है, पानी ही पानी आ रहा है इधर, देखो पानी भर गया था ना ज्यादा, और ये निकल रहा है धीरे धीरे करके पूरी, हमने नीचे बाल्टी भी लाया था कि बाल्टी ही भर जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार ऊपर वाली छत में, और देख सकते हो भाई कितनी तेज बारिश आ रही है, पूरा बारिश का मौसम बड़ा खतरा। अबे 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 बजिए भाई, भी फोन गिर जाता हाथ में से फिसल के, तो देख सकते हो मौसम कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया है, और बारिश जो है कितनी प्यारी आ रही है, बादल भी गरज, और बड़ी बिल्डिंग दिख भी नहीं रही आज, जो पहले कल बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। देख सकते हो भाई मौसम कितना प्यारा हो रहा है, अभी जो है दोपहर के 3 बज रहे हैं, शाम होने वाली है थोड़ी देर में, और खूब लोग नहा रहे हैं छतों पर आके। बाकी यार मैंने सोचा था संडे तो पतंगबाजी होगी अच्छी करके, पर यहाँ पे बारिश आ गई, छतरी देख के मेरे इग्नोर मार जाने से, थोड़ी लड़कियों वाली है यही मिलती है भाई घर में इस्तेमाल करने को, बाहर जाओगे जब मिलेगी तो महंगी वाली। और यहाँ पे देख सकते हो भाई पानी की बारिश हो रही है, फव्वारा बह रहा फव्वारा, और यहाँ पे मामू आराम से बैठा हुआ इसी कोने में कब से बेचारा यहाँ पे, क्योंकि पूरी छत गीली है, सिर्फ यही जरा सा हिस्सा सूखा, तो इसलिए यहीं पर ही बैठा हुआ है आधे घंटे से। तो अब चलते हैं थोड़ी देर में नीचे बकरियों के पास, और उन बकरियों का भी आपको व्यू दिखाता हूँ वो क्या कर रहे हैं बकरी और उसके बच्चे। तो अभी यार हमने बकरी और उसके बच्चों को यहाँ पे बांध रखा है जीने के पास, कल तो वैसे नीचे की साइड बंधे हुए थे, आज हमने इनको यहीं पर ही बांध दिया। तो यार अभी मैं आया था अपने स्टूडियो में पतंगे चेक करने, और भाई मैं यहाँ पे हैरान हो गया, क्योंकि पिछले साल की पतंगे मैं इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास कुछ ये बाहर आना बाहर 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 कुछ ये गिनी चुनी पतंगे जो मैं उड़ा सकता हूँ, बाकी ये 3-4 हैं ये सब बेकार बेकार हैं, और उल्टी सीधी फटी पुरानी पतंगे हैं, बाकी यही हैं जो बिल्कुल सही हैं, और इनमें हल्की हल्की सीलन आ गई, क्योंकि रखे रखे यहाँ पे भी हल्का हल्का सील से गया इनका कागज, तो यही उड़ाऊंगा कुछ गिनती की 6 पतंगे, बाकी मुझे इसके बाद लानी पड़ेंगी पतंगे, अभी आज तो हो जाएगा मेरा काम संडे का। और यहाँ पे पता नहीं मेरी चरखियाँ रखी हुई थी इधर की साइड, सिर्फ मुझे एक चरखी मिली ये वाली, और यहाँ पे चरखी नहीं है, और एक ये है इसमें भी खराब मांझा भरा हुआ है, बाकी एक आध चरखियाँ और थी वो पता नहीं कहाँ चली गई। तो थोड़ी देर अपने स्टोर रूम में छानबीन करने के बाद में फाइनली मेरी वो चरखियों का थैला मिल चुका है, इसके अंदर मेरी चरखियाँ भरी हुई हैं, कम से कम 10-15 साल हो गए ना, पता नहीं इतनी सारी चरखियाँ कहाँ से आती हैं। तो पहली निकलती है ये सफ़ेद सद्दी वाली, ये काम आती है 15 अगस्त के टाइम पर, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो किसी को पकड़ा दो। और ये निकली है नंगी चरखी, इसको भी साइड करो, भाई बहुत चरखी लाता था पहले, जब मैं शौक था पहले, शौक तो वैसे अभी भी है पहले बहुत ज़्यादा था, और इसमें है क्या है ये ओके, तो जिसमें धागे वाला मांझा चढ़ा हुआ बहुत सारा जो बेकार आता था लूटा हुआ, तो वो सारा मैं इसमें भर देता था, और अभी इसमें इसकी ज़रूरत और है, क्योंकि अभी बहुत सारा मांझा आने वाला है, इसमें पूरी भर जाएगी। और ये कुछ ख़राब कागज़, और ये क्या है लिपटा हुआ,
और बाकी इसके अंदर देख सकते हो एक ये ईंटों वाली चरखी, इसके अंदर खाली ईंट का तबड़ा पत्थर लगाता है, सीमेंट का पत्थर होता है ये। और ये तो हो गया, और भी चरखियाँ हैं मेरे पास। और ये है पता नहीं 5 साल पुराने मांझे की चरखी, जिसका मांझा बिल्कुल सद्दी बराबर है, सद्दी से भी कमज़ोर है ये, सद्दी इसको काट देती है इस मांझे को, ये तो बेकार ही है, तो मैं इस्तेमाल भी नहीं करता इसका जब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब पहले लाया था मैं स्टार्टिंग में, जब मैं बच्चा था, जब मुझे किसी ने भूंदू बना दिया था उस वक्त। और देखिए छोटी चरखी निकली, नंगी चरखी, इसका काम भी बहुत आता है, ऐसे छोटी चरखियों के अच्छा आता है, अच्छा मज़ा आता है इनसे उड़ाने में। और एक ये है, इसमें पता नहीं क्या है, शायद इसमें कोई मांझा है मेरा, इसको भी खोल के चेक करते हैं क्या छुपा रखा है मैंने आखिर, ऐसा क्या सच है इसके अंदर। तो चरखी खुल चुकी है, क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है मैदानी मांझा। और ये कितने रील का है, रील कहाँ लिखी बाबा जी, रील तो दिखाओ, रील रील रील, 3 रील बची हैं ये देखो, ये लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, ऐसे दिखेगा ये रहा, 3 रील है अभी इसके अंदर, पूरी 3 रील है। तो 3 रील का मांझा है अभी, और मांझे में कड़कपन इसका जा चुका है, थोड़ा मुलायम सा हो गया ये अभी इस टाइम पे, क्योंकि बारिश का मौसम और मैंने गलत टाइम में इस चरखी को खोला, मैं धूप वाले दिन खोला है, धूप निकली है, गर्मी हो रही है, पर अभी बारिश का मौसम था, मैंने खोल दिया, खाली बैठा हुआ था, तो इसमें थोड़ी हल्की सील भी आ रही है, तो इसको बाद में धूप लगानी है मांझे को, जब जाके इसमें करारापन आएगा। पहले मैं सोच रहा था कि छत पे आके पतंग बाजी करूं, मैं 6 बजे के टाइम आया भी था, उस वक्त बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी उस टाइम पे, पर अब जो दोबारा बूंदाबांदी आने लगी उसी वक्त से, और अभी तक बूंदाबांदी ही आ रही है। तो आज का प्लान ये पतंग बाजी कैंसिल हो गया, अब मैं नीचे बैठ के आराम से पबजी खेलूंगा। ओके बाय बाय।